मारा श्री जी विराजे मेवाड़ माँ। ठाकुर जी मेवाड़ में विराजते हैं, वो किसके लिए विराजते हैं? है तो देखो जैसे मीराबाई की भूमि है, इसलिए ठाकुर जी वहां विराजमान हुए। लेकिन एक अजब कुमारी नाम की भगवान की भक्ता थी, उसके लिए ठाकुर जी वहां विराजमान हुए। ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए अजब कुमारी वृंदावन आई, और जब ठाकुर जी को देखा, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। बंधुओं, ये इतना सुंदर पद है श्री कृष्ण दास जी का। भक्ति के कई भाव इस पद में, एक अकेले पद में परिवर्तित प्रकट कर दिए श्री कृष्ण दास जी ने। अजब कुमारी अपने राज परिवार के साथ दर्शन करने के लिए गई, ठाकुर जी को देखते ही उसके मन में ठाकुर जी विराजमान हो गए। अब तो वापस लौट के मेवाड़ आई तो ठाकुर जी उसके हृदय से जावे नहीं, उसको भी ज्वर चढ़ने लगा। इतनी व्याकुल हो गई, कई वैद्यों ने आकर के औषधि दी लेकिन वो ठीक नहीं हुई। तब उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, ये औषधियों से ठीक होने वाला रोग नहीं है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे ब्रज जाना है, गोवर्धन में श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने, तभी मेरा ज्वर ठीक होगा और मैं सदा के लिए ब्रज में ही रहूंगी। राज परिवार की पुत्री होने के नाते पिता ने कहा कि हमेशा के लिए तो वृंदावन नहीं भेजूंगा मैं, कुछ दिन के लिए तुम चली जाओ। बहुत ध्यान से सुनना, तब अजब कुमारी वृंदावन आई। कल आप लोगों ने देखा था रात्रि में जब उत्सव प्रारंभ हुआ, हम चौसर खेल रहे थे पुजारी जी के साथ। वो ठाकुर जी के पक्ष के थे, हम श्री जी के पक्ष थे। और कल चौसर में फिर कौन जीता? श्री जी जीती। वो उसमें पद में भी आता, छलबल से जीती श्यामाजू, जीत गई। और दाव पे क्या लगा था? ठाकुर जी की पीताम्बरी और बंशी। हमने भी पुजारी जी के सब ले ही लिए, बंशी तो ही ना ही घड़ी उतार ले। तो खूब आनंद आए, कल चौसर खेल रहे ठाकुर जी। तो अजब कुमारी जब गोवर्धन आई चार पांच दिन के लिए, उसने गुसाई जी से प्रार्थना की कि हे गुसाई जी, आप सब पुरुष रहते हैं सेवा में। एक परसों एक बहन मुझसे कह रही थी कि महाराज जी, ठाकुर जी सेवा में सब पुरुष ही रहते हैं, हमको भी ले लिया करो, हमारे कहने या हमारे चाहने से आप सेवा में आ जाओगे? नहीं, ठाकुर जी की इच्छा होगी तो आप आ जाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब सेवा ले लेंगे आपकी। तो अजब कुमारी ने गुसाई जी से कहा कि आप मुझे कोई सेवा प्रदान कर दें, ठाकुर जी की कोई सेवा दो। तो गुसाई जी बोले, देखो अब यहां अपरस की सेवा है, तुमको क्या सेवा दें, तुमको जो प्रिय लगे तुम ठाकुर जी की सेवा करो। तो अजब कुमारी ने मन बनाया कि मैं ठाकुर जी के साथ चौसर खेला करूंगी। तो क्या करती थी, दर्शनार्थी जहां खड़े होते थे वहीं बीच में चौकी पर बढ़िया चौसर खोल करके और ठाकुर जी को देख करके और पासा चलती थी। एक बारी अपनी चलती और अपनी चाल चल के फिर कहती, ठाकुर जी अब आपकी तरफ से, फिर ठाकुर जी की तरफ से चलती। चौसर खेल इतनी निपुण थी वो खेलने में कि उसकी जीत होती थी, लेकिन जैसे ही वो जीतने वाली होती थी ऐसा चाल चलती थी कि ठाकुर जी जीत जाते थे, वो हार जाती थी। महाराज, चार दिन तक उसने ठाकुर जी को जिता दिया, लेकिन जिस दिन उसका वापस प्रस्थान करने का समय था, उस दिन नेत्रों में आंसू, बोले ठाकुर जी आप ही रोक सकते हो मुझको। चौसर खेलने लगी ठाकुर जी के साथ, खेलते 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 जैसे ही ठाकुर जी जीतने वाले थे, उसने ऐसी चाल चली कि ठाकुर जी हार गए और वो जीत गई। तभी क्या देखा कि गर्भगृह में विराजमान श्रीनाथ जी के प्रश्वेत के बिंदु प्रकट हो गए, पसीने आ गए ठाकुर जी को। तब उसने कहा, जय जय, आपको श्रम नहीं होना चाहिए, एक चाल और खेले हैं, अब की बार अच्छे से खेलना, आप जीत जाओगे। आज तो अंतिम है, मैं तो जा रही हूं फिर अपने घर। और चौसर खोल करके ठाकुर जी को खिलाने लगी। खिलाते 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 आज तो चाल ऐसी चल रही थी, वो चाह करके भी ठाकुर जी को नहीं जिता पा रही थी, खुद ही जीत रही थी।
लेकिन अंत आते आते उसने ऐसी चाल चली, फिर से ठाकुर जी को जिता दिया। जैसे ही ठाकुर जी जीते, भगवान से रहा नहीं गया और श्रीनाथ जी प्रकट हो गए और आकर के उसकी गोद में आकर के लिपट गए। बोले, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, तुम चौसर में इतनी निपुण हो कि तुमसे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन तुम हमको जिता देती हो, खुद हार जाती हो, बताओ क्या चाहिए। अजब कुमारी बोली, मत पूछिए, क्यों, आप दे नहीं पाओगे। ठाकुर जी बोले, आपने हमको प्रसन्न किया, आप जो कहेंगी हम देंगे, आप मांगिए तो सही। बोले, वचन दीजिए, जो मांगूंगी सो देंगे। बोले, देंगे। बोले, मैं ब्रज में नहीं रह पाऊंगी, आप मुझे दर्शन देने के लिए मेवाड़ पधारो, मेवाड़ में विराजो। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, बोले, हम ब्रज कैसे छोड़ें, ये ब्रज, और बंधुओं, अखंड वृंदावन वासी, अखंड ब्रजवासी दो हैं, हमारे गोस्वामी जी बैठे हैं, यदि आप मोहर लगाएं तो, पहले श्री गोवर्धन नाथ जी और दूसरे हमारे श्री राधा रमन लाल जी, ये अखंड ब्रजवासी हैं भैया, इनने कभी वृंदावन का त्याग नहीं किया, कभी नहीं गए वृंदावन छोड़ के। अगर कोई को अखंड वृंदावन वास की इच्छा हो ना, तो या तो गिरिराज जी की उपासना करो या हमारे श्री राधा रमन लाल जी के चरण पकड़ लो, यही आपको अखंड ब्रजवास प्रदान कर सके, क्योंकि इनने कभी ब्रज वृंदावन को त्याग नहीं किया। हमारे गिरिराज जी की तो प्रसिद्धि है ही, ये सब कहें कि उनको बाहर नहीं ले जाना चाहिए, पर हमारे श्री लाल जी, राधा रमन लाल जी भी कभी नहीं गए, सदा ब्रज में रहते हैं। ऐसे वृंदावन को, जिसको ठाकुर जी इतना प्रेम करते हैं, अजब कुमारी की भक्ति के लिए श्रीनाथ जी गोवर्धन पर्वत से प्रस्थान करके मेवाड़ में विराजमान हो गए। सोचो, कभी कभी मन में भाव आता है कि मैं कहता भी हूं कथा में, पत्नी के लिए पति बदल जाता है, पति के लिए पत्नी बदल जाती है, माता पिता के लिए बच्चे बदल जाते हैं, लेकिन भक्त भगवान के लिए अपने आप को बदल नहीं पाता। ठाकुर जी बदल देते हैं अपने नियमों को। उस दिन कीर्तिदान गद्वी जी आए रात में, क्या कहा उन्होंने कि श्री द्वारिकाधीश कितनी बार जूनागढ़ गए, 52 बार। द्वारिकाधीश नाम बोले और तभी हमारे चित्रांग पुजारी जी आ जाएं, आपकी पीताम्बरी और ये घड़ी मैंने वापस कर दी, आप हार गए कल। हमारी श्री जी दयालु हैं, बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। कैसे आ रहे हैं आप, बोलो, कल बोल रहे थे ना। छल बल से जय हो, जय हो, जय हो। सब लोग जोर से कहो, श्री द्वारिकाधीश की मंगला में, ठाकुर जी की मंगला की माला जी पधारी। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं, हैं? हाँ, तो द्वारिकाधीश जी 52 बार जूनागढ़ गए, इतना तो कोई वैष्णव नहीं आता होगा द्वारिका, हैं? बाहर रहने वाला द्वारिका, बाहर की छोड़ो, जामनगर, राजकोट आदि पास में रहने वाले लोग इतनी बार द्वारिका नहीं आते होंगे जितनी बार ठाकुर जी जूनागढ़ चले गए। तो ठाकुर जी सबके लिए नियम बदल रहे हैं, भक्त को भी चाहिए कि ठाकुर जी के लिए नियम बदले। तो बंधुओं, बड़े भाव से हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, लाल जी का आज उत्सव का विराम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदन। नवदा भक्ति पर चर्चा हो रही थी और नवदा भक्ति के जो आचार्य द्वारिका में कौन कौन हैं, तो श्रवण भक्ति की आचार्या द्वारिका में श्री रुक्मणी जी, वे श्रवण भक्ति के आचार्य हैं, खूब सुनते हैं, ठाकुर जी की लीला सुनती हैं और
इस बात का प्रमाण उनका पत्र भी है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुणवताम ते। उन्होंने ठाकुर जी से स्पष्ट कहा, हमने आपको देखा नहीं है, केवल सुना है, सुनकर के आपको प्रीति हुई, आपसे प्रीति हुई है। तो श्रवण भक्ति के आचार्य द्वारिका में श्री रुक्मणी जी, कीर्तन भक्ति की आचार्य द्वारिका में श्री रोहिणी मैया, सबसे ज्यादा भगवत कीर्ति का गान ठाकुर जी की ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, तीनों लीलाओं का दर्शन जिन्होंने किया है श्री श्री रोहिणी मैया, वो कीर्तन भक्ति की आचार्य द्वारिका में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरण भक्ति, स्मरण भक्ति के आचार्य द्वारिका में है देवकी मैया। उन्हीं के लिए ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में बैठे हैं, क्योंकि देवकी मैया ने तो दो भुज लाल जी को देखा ही नहीं, जन्म लेते ही ठाकुर जी तमत भुतम बालक अम्बुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम। इसीलिए देवकी मैया के भाव से ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही विराजते हैं द्वारिका में, क्योंकि उनकी स्मृति में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप ही है, चतुर्भुज ठाकुर जी। तो स्मरण भक्ति की आचार्य द्वारिका में कौन? देवकी, माता देवकी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, चरण सेवा, अनावृत चरण सेवा यदि द्वारिका में किसी ने ठाकुर जी की है तो वो श्री कुशेश्वर महादेव बिल्कुल ठाकुर जी के नीचे ही विराज रहे हैं, और जब द्वारिका बसी नहीं तब से विराजमान है। कल रात्रि 2 बजे तक पुजारी जी से कुशेश्वर महादेव की कथा वार्ता चल रही थी। तो पाद सेवन के आचार्य महादेव हैं यहाँ, वो महादेव हर जगह, जहां भी ठाकुर जी लीला की वहां ठाकुर जी पाद सेवन के आचार्य महादेव ही बने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम, अर्चन भक्ति की आचार्य कल हमने सुना श्री सत्यभामा। वंदन भक्ति के आचार्य हैं श्री अक्रूर जी महाराज। ठाकुर जी को व्रज वृंदावन से गोवर्धन मथुरा लेकर के गए ठाकुर जी के काका श्री अक्रूर जी, वो अर्चन भक्ति के वंदन भक्ति के आचार्य। दास्य भक्ति के आचार्य भगवान के सारथी, जिनका नाम है दारुक सारथी, दास भक्ति के आचार्य। सख्य भक्ति के आचार्य द्वारिका लीला में भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी महाराज, श्री सुदामा जी। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्री सुदामा जी ठाकुर जी के सख्य भक्ति के आचार्य। सखत्व कैसा श्री सुदामा जी का, कि पूरी द्वारिका, पूरे जहां सुदामा नगरी है, किसी को नहीं बताया, आज तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि हम ठाकुर जी के सखा हैं। क्यों? कहीं हमारी स्थिति देख करके कोई पहला प्रश्न तो ये ना उठाए कि ऐसा सखा द्वारिकाधीश का, और दूसरा कहीं कोई हमसे ये ना कहे कि तुम द्वारिकाधीश के पास जाओ, तो हमारी स्थिति देख के याचक समझ के द्वारिकाधीश कृपा कर दें। यहाँ व्यक्तियों की स्थिति ऐसी हो गई, अपनी गाड़ी पर लिखवा लेते हैं पूर्व विधायक और नीचे लिख देंगे उसके पड़ोसी, पूर्व विधायक और उसके भी पड़ोसी हैं हम, इतना भी बताना चाहते हैं हम, हमारे किससे संबंध है। मैं अपनी कथा में कहा करता हूँ, आजकल सेल्फी का टाइम आ गया है, कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति दिखे सब लोग सेल्फी लेते हैं, पर वैष्णवों को चाहिए आपके सेल्फी लेने की सार्थकता तब हो, सूरदास जी की सेल्फी ठाकुर जी के संगी मिलेगी, मीराबाई का चित्र ठाकुर जी के संगी मिलेगा, तुलसीदास जी का चित्र ठाकुर जी के संगी मिलेगा, कृष्णदास का चित्र ठाकुर जी के संगी मिलेगा, हमारे चित्र दुनिया भर के संग मिलेंगे। भैया ये चित्र यदि लेवे की बहुत इच्छा है ना, तो बस ये मीराबाई आदि सब भक्तन की तरह हमारी स्मृति में भी ऐसा ही रहे कि हमारा चित्र ठाकुर जी के संग ही हो। अन्य किसी व्यक्ति से संबंध रखना और उसका फिर प्रकाश करना, सबको बताते रहना हमारा यहाँ से संबंध, ये हमारा इतना घनिष्ठ, ये ऐसा, ये ऐसा, क्यों?
सख्य भाव ठाकुर जी के प्रति श्री सुदामा जी का, पर कभी प्रकट नहीं करते कहीं भी। ऐसा वर्णन आता है, एक सूक्ष्म कथा सुना के फिर मैं थोड़ा विराम लूंगा। हमारे मध्य में पूज्य श्री पुनरी गोस्वामी जी महाराज पधारे, आप श्री वृंदावन प्रस्थान करेंगे। अब ब्रजवासी इनको लेवे आए हैं तो पहले ही सब राज तो क्लियर करवाएंगे कि कहाँ कहाँ से सब जाम है। और फिर हमारे पूज्य महाराज जी श्री जगन्नाथपुरी वाले महाराज जी, आपका भी भाव सबको आशीष श्रवण करना है। आज तो बंधुओं ये तो चर्चात्मक और भावात्मक कथा रहती है लाल जी के उत्सव में, बस यहाँ तो भाव चलते हैं। तो थोड़ी देर श्रवण करो, फिर हम कुछ पदावली गा करके ठाकुर जी की राजभोग आरती करेंगे। ठाकुर जी को सुदामा जी की स्थिति पता है, पर ठाकुर जी चाहते हैं कि सुदामा किसी बहाने द्वारिका आए तो सही। एक कथा तो हम कथाओं में सुनाते ही हैं कि श्री सुदामा जी भगवान के पक्ष के चने खाए, वो चने साधारण दुर्वासा जी का श्राप लगा था उनको कि जो भी खाएगा वो लक्ष्मीहीन हो जाएगा। तो सुदामा जी ने विचार किया फेंक देंगे तो कहीं अंकुरित होकर वृक्ष ना बन जाए, किसी को दे देंगे कोई खा ना ले, कुछ भी इसका अनहित ना हो जाए। इसलिए ठाकुर जी के पक्ष के अपने पक्ष के दोनों चने सुदामा जी ने खा लिए। और उसी वजह से ऐसा तो मैं कह देता हूं कथा में कि ये द्वारिका सोने की नगरी है ना, द्वारिका में इतना वैभव जो है ना, ये सुदामा जी की भेंट है द्वारिकाधीश को, या उनके पक्ष की लक्ष्मी विराजती है द्वारिका में। तो एक कथा तो ये है ही है, पर एक कथा और सुनी कि ठाकुर जी को पता है कि सुदामा जी की स्थिति क्या है, लेकिन ठाकुर जी चाहते हैं सुदामा आए कैसे भी। सुदामा जी की महिमा मंडन तो सब करते हैं, लेकिन सुदामा जी की पत्नी जो सुशीला है ना, वो भी कम ब्राह्मणी नहीं है। ठाकुर जी एक बार एक विप्र का भेष धारण करके, भिक्षुक विप्र का भेष धारण करके सुदामा जी के यहाँ पहुंचे। और भिक्षुक यदि आवे विप्र तो भाई कौन उसको खाली हाथ जाने देता, कोई नहीं। सुदामा जी के द्वार पर जाकर के ठाकुर जी भिक्षुक एक विप्र बन करके आए और भिक्षा की याचना करने लगे। सुदामा जी की पत्नी द्वार पर आई, आकर के बोली, महाराज जी क्षमा करें, हमारे घर में सोवर लगे हैं, मैंने पुत्र को जन्म दिया है इसलिए हमारे घर में सोवर हैं, मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी। ठाकुर जी ने पूछा, तो ठीक है सोवर तो पूरे हो जाएंगे इतने दिन बाद, तब हम आएंगे दोबारा नगरी में तब आपको। बोले नहीं, मेरे यहां का सोवर अनंत काल का है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, अनंत काल का है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। भिक्षुक रूप में ठाकुर जी बोले, ऐसा कैसा सोवर है जो जीवन पर्यंत रहने वाला है। तो सुदामा जी की पत्नी कहती है कि हमने श्रीहीन पुत्र को जन्म दिया है, हमारे घर में श्रीहीनता है, और श्रीहीन पुत्र जब घर में जन्म लेता है, मतलब उनका कहने का भाव ऐसा था कि हमारे घर में श्रीहीनता है, कोई पुत्र ऐसा नहीं था, यह भाव नहीं समझना, वो कहना है अपने भाव को किसी अन्य भाव में बता रही हैं कि हमारे घर में श्रीहीन पुत्र ने जन्म लिया है और उसका सोवर तो अनंत काल तक रहेगा। तब वो विप्र बोले, अरे तुमको अंधेरे में रखा गया है, तुमको बातें बताई नहीं गई हैं, तुम जानती नहीं हो कुछ भी। सुशीला बोली, क्या बताना चाहते हैं भगवान, आपको पता है एक ही जोड़ी कपड़ा है मेरे पास में, मैं इसी में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करती हूँ। दुनिया के लोग ये भैया ये युगल कबूतर रोज कथा सुनते हैं, कौन है पता नहीं, लेकिन इनको प्रणाम है, ये कभी वहाँ बैठते हैं कभी यहाँ बैठते हैं और ये पूरी कथा में विराजे हैं, जय हो। और कहते हैं कि युगल यदि सुने तो निश्चित कोई भाव, अब सब बड़े जन बैठे हैं ये बताएंगे, लेकिन ये युगल रोज सुन रहे हैं डेली, उत्सव में भी आते हैं रात्रि में, जय हो। बोलो द्वारिकाधीश की जय। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ तो बोले तुमको अंधेरे में रखा गया, तुमको बताया नहीं गया है। सुशीला जी बोली, क्या बात है बताओ। बोले आपके जो पति देव है ना, इधर देखो यहां देखो,
आपके जो पतिदेव हैं ना, इनके सखा हैं श्री द्वारिकाधीश। भगवान ने स्वयं अपना परिचय जाकर के दिया सुशीला जी को, क्योंकि सुदामा जी तो बताते ही नहीं थे कभी भी। वो इतनी अंतर्निष्ठ भक्ति करते थे कि कहीं कोई मेरी स्थिति देख करके प्रश्न चिन्ह ना उठाए कि एक गुरु के दो शिष्य, इतना अंतर दोनों में। और ऐसा कैसा सखत्व कि कृष्ण पूरे विश्व को देते हैं, अपने मित्र को नहीं दे पा रहे, तो कहीं कोई ये प्रश्न ना उठा दे ठाकुर जी के ऊपर। इसलिए सुदामा जी मौन रहते हैं, बताते नहीं किसी को। और बंधु एक बात कहूं, संबंध प्रेम वो सबसे अच्छा जो गोपनीय रहता हो, जिसका ढिंडोरा पीट दिया जाता है, जिसका पूरे विश्व में प्रकाश कर दिया जाता है, वो प्रेम पर टिक नहीं पाता। इसलिए आजकल क्या हो गया है, भक्ति तो बढ़ी है लोगों में, लेकिन सब जगह बताने की हो गई है कि मैंने क्या किया, मेरे क्या अनुष्ठान होते हैं, मैं कब वृंदावन जाता हूं, कितनी माला जपता हूं, कितना नाम जप करता हूं, कितना ये करते हैं। क्यों उसका प्रकाश क्यों करना? आप अपने पुत्र को दिन में कितनी बार हृदय से लगाते हो, काउंट करते हो क्या? और ठाकुर जी का नाम कितनी बार जपा, उसकी काउंटिंग क्यों? मैंने तो एक नियम, महाराज जी एक आजकल वो आता है ना, वो बटन दबा के लोग नाम जप करते हैं, कई लोग यहाँ पे भी होंगे, पता नहीं क्यों श्री लाल जी ने एक दिन ऐसे भाव रखवाया तो मैंने कथा में कहा, और एक एक वैष्णव के संग तो मैंने कर ही दिया। वो जप रहे थे और जब मैं बात कर रहा था उनसे तो उनका मुंह चल रहा था, नाम जप कर रहे थे और जप चल रहा था, तो मैंने कोई बात कही तो वो मुझसे बोले, मतलब अपनी पूर्णता कर रहे थे नाम की, और मैं बैठा रहा थोड़ी देर, फिर पूर्ण हुआ तब फिर जी महाराज जी, वो मेरा क्या है ना महाराज जी, नियम है रोज का कि मैं 6000 नाम रोज जपता हूँ, 5000 नाम। मैंने कि सीधे बोलना, तुझको बताना था मुझे कितना नाम करता हूँ मैं। मैंने कहा एक काम करेंगे आप यदि हमारी बात मान के, बोले बताएं महाराज जी। मैंने कहा ये जो काउंटर तुमने लगाया है ना, इसको तो रखो पर इस पर ऊपर टेप लगा दो, ये अंक दिखने नहीं चाहिए। मैंने कहा ठाकुर जी का कितना नाम जपा ये क्यों गिनना हमको, और अगर काउंटर रखा ही है ना अपने पास में, तो मैंने कहा इसको जीरो कर लो, और अब के बाद इसको तब दबाना जब किसी के साथ कुछ बुरा करो, किसी को बुरा कहो, कहीं क्रोध करो, किसी के साथ कुछ अनहित करो, तब काउंटर दबाना, और 5 महीने बाद फिर देखना हाँ भाई अब कितनी गिनती हुई इसमें। ठाकुर जी का नाम क्यों गिनते हैं? हम अपने प्रेम को क्यों गिन रहे हैं? और प्रेम संसार से कभी नहीं गिनते हम, ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है उसी को ही क्यों गिना जाता है, उसी की ही क्यों गणना की जाती है? कितने राजभोग करवाए हमने, कितनी बार ध्वजा चढ़वाई हम, कितनी बार द्वारिका जाते हैं, क्यों उसकी काउंटिंग होती है? नहीं, भगवत संबंधी प्रेम की कभी गिनती नहीं। ये सुदामा जी से सीखो, किसी को नहीं बताया कि मेरे मित्र, स्वयं ठाकुर जी ने आकर के बताया। तब सुशीला जी अपने पतिदेव सुदामा जी के पास गए, बोले आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी बोले नहीं, किसने कहा? बोले देखिए आप झूठ नहीं बोलते हैं, अपने नियम पर रहिए, कौन है आपके सखा? तब सुदामा जी ने स्वीकार किया कि मेरे सखा द्वारिकाधीश। तब वो कथा फिर पूरी है, सुशीला गई पीछे पड़ गई, बोले तुमको जाना पड़ेगा। बोले कि अरे मेरी स्थिति देख करके कहीं ऐसा ना समझे भिक्षुक मांगने आया है। बोले ठीक है दे देंगे तो स्वीकार कर लेना, लेकिन आप जाओ, आपको जाना पड़ेगा। तब श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका पधारे, ठाकुर जी से कोई याचना नहीं की, पर ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया, तुच्छ कुछ और सब कुछ। ठाकुर जी से कुछ मांगोगे तो तुच्छ ही मिलेगा, ठाकुर जी की कुछ सेवा करोगे तो सब तो कुछ मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी के आगे दोनों भुजा के कहो, उठा के कहो हम आपके नाथ और आप हमारे हो, जैसे राखो तैसे रहूं, तो ठाकुर जी सब कुछ दे देंगे, खुद को ही दे देंगे। सुदामा जी ने कोई याचना नहीं की, पर ठाकुर जी ने स्वयं को दे दिया। सुदामा जी के 3 भाव और हैं, उनको मैं कहूंगा, पर मेरी भावना महाराज जी की फ्लाइट भी है, आपको प्रस्थान करना है। श्री राधारमन लाल जी आज महाराज जी के रूप में उत्सव के विश्रांति में पधारे हैं, तो मेरा भाव है कि महाराज जी कुछ
आशीष सबको प्रदान कर दें। मेरी मेरी इच्छा है महाराज जी कि आप सबन को थोड़ा आशीष नेक दे दें और वाक्य बाद फिर हम शेष क्रम उसमें प्रवेश करेंगे। फिर पूज्य हमारे जगन्नाथपुरी वाले पूज्य महाराज जी भी, उनका भी हम लोग आशीष श्रवण करेंगे। सब लोग बड़े भाव से श्रवण करो। श्री राधा रमण लाल की जय। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्निधिम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गिरधर लाल गोपाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। अभी तक तो मैं अत्यंत आनंद में था, पर अब मन को पीड़ा है कि आने से दर्शन मिला, कथा मिली, पर कई बार ये प्रसिद्धि विषमयी हो जाती है। एक ही दो ही समय ऐसे होते हैं जब मन करता है कि हम कथा न कर रहे होते। पहला, जब ठाकुर जी कहीं भगवान के स्वरूप का दर्शन करने जाओ और लोग दो क्षण के लिए ठाकुर जी के दर्शन से मुड़कर हम लोगों को देखने लगे तो ऐसा लगता है कि इतने वर्ष भर जो कथाओं से लोगों को भगवत दर्शन की प्रेरणा दी, कहीं वो उद्देश्य छोटा पड़ गया। और दूसरा, जब हमारे श्री इंद्रेश प्रभु जैसे दिव्य महापुरुष रस की भागीरथी प्रवाहित कर रहे हों और हम लोगों की वजह से उन्हें रोक करके और हमें बीच में बोलना पड़े, ये दो ही ऐसे स्थान हैं जब मन करता है कि हम भागवत व्यास न होते तो अच्छा होता। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करूं और मेरे पास में विराजमान श्री वृंदावन की शोभा, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनको सबके हृदय में तो भगवान है ही हैं, पर जो स्वयं भी कृष्ण स्वरूप है, परमादरणीय व्रज की शोभा, अर्चा लेवे वाले करवे वाले ठाकुर तो वृंदावन में बहुत सारे हैं, पर चर्चा कलवे वाले हमारे श्री ठाकुर जी महाराज हैं। हमारे श्री द्वारिकाधीश मंदिर के सभी आचार्य जन, सेवायत जन, स्वामी जी महाराज जी, सभी लोग को मैं प्रणाम करूं। समय का अभाव आपसे ज़्यादा, क्योंकि लेवे आया हूं तो पहले भी पहुँचना है, इसलिए मैं विचार करता रही हूँ कि क्या ले जाऊं। इसलिए राधारमन जी का पटका ले जाता हूँ, इस बार नहीं लाया, और शॉल लेकर आया, क्योंकि आप गर्मी ते सर्दी में आ रहे हो, पाथे की व्यवस्था करना जिम्मेदारी होती है जो बुलावे आए। या मरे मैंने शॉल उड़ायो कि मैं ठंड ज़्यादा है, नहीं संभल के आई हूँ। द्वारिकाधीश के दर्शन का और आपके श्रवण का लाभ आपकी कृपा से मिला, उसके लिए मैं और यहाँ बैठे अनेक श्रोता श्री गिरधर लाल के, पूज्यपाद श्री ठाकुर जी महाराज के और श्री इंदेश प्रभु के जीवन पर्यंत ऋणी हैं कि आपकी इस योजना से हम सब सामान्य लोगों को
श्रवण भी मिल गया और भगवत दर्शन का भी लाभ प्राप्त हो गया। हम लोग राधा रमण जी की सेवा करते हैं, पर एक चीज में आप हमसे आगे हो कि हमारो ठाकुर बैठैया है, तुम्हारो ठाकुर घुमैया है। महाराज हमारा लालत तो बैठैया है, वो तो नेक बस भारत भीतर ही करे कहू कहू, वो भी गर्मी माऊ थोड़े देना, नहीं तो भीतर ही बैठो रहे कुंज माऊ। कौ ने घुसे भी ना देवे और बाहर भी ना निकरन देवे, पर यह मामले में हमारे श्री गिरधर लाल घुमैयो ठाकुर है। हर साल कहूँ ना कहूँ घूम में निकरे, जैसे घर के मुखिया घर वालन को लेके वर्ष में हॉलीडे मनावे जावे ना एक बार, सो हमारे श्री गिरधर लाल प्रभु अपने सब परिवार और परिकर को लेके एक एक स्थान पर सवन को आनंद करावे के त्याई जावे, ऐसे श्री गिरधर लाल प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है महाराज। आप ऐसी प्रार्थना करो हमें भी घुमाऊआ ठाकुर मिले कबू तो आनंद होवे महाराज। दूसरी चीज, एक हृदय में मेरी बात बहुत मुझे उल्लसित करती है, आनंदित करती है कि क्योंकि मैंने उसका स्पंदन जीवन में अनुभव किया है और उस पर आपके सौभाग्य के लिए पूरी ब्रह्मांड को लुटाया जा सकता है और मैं उसकी अनुभूति कर रहा हूँ, बचपन से करता आया हूँ। ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता कि पुत्र सामने बैठकर कथा कह रहा हो और पिता उसके सामने बैठकर उसको आशीर्वाद दे रहा हो। ऐसा सौभाग्य किसी किसी को ही मिला है। सच कहूं तो सबसे पहला यह सौभाग्य सुखदेव जी को ही मिला है। इसलिए श्री इंद्रेश प्रभु की कथा में ये अनुभूति, जहां सामने वो सुखदेव स्वरूप बैठे हैं और श्री ठाकुर जी महाराज व्यास स्वरूप साक्षात सामने विराजमान हैं, आप दोनों की यहाँ उपस्थिति से हम जैसे लाखों परीक्षित का उद्धार पक्का है महाराज। नहीं तो शायद हम चूक जाते, पर ये भावना, मैं बैठा था जब सामने और आप पास विराजे थे, तो इतनी देर से मैं तो इसी मिश्री का आनंद ले रहा था कि गंगा के तट पर तो ये भाव बना था, पर द्वारिकाधीश ने गोमती के तट पर भी यही भाव कर दिया कि सुखदेव जी सामने विराजे और व्यास स्वरूप पार्श्व में विराजमान सामने हैं। इस मामले में तो आपका भाग्य हमसे भी आगे निकल गया। इस झांकी को देखकर मैं अपने बाल्यकाल का स्मरण करता हूँ, जहाँ मेरे पूज्य पिताजी, पूज्य दादा गुरुजी, मेरे सब घर के बड़े ऐसे ही मेरा उत्साह वर्धन, मुझे आशीर्वाद देते थे। बल्कि सही बात तो ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि देखने में तो ये हम लोग महाराज जी आपसे नीचे बैठे हैं, पर वास्तव में आपके ऊपर ही बैठे हैं। ये धारा यूं ही प्रवाहित हो रही है। चैतन्य चरितामृत का प्रसंग कहता है कि कई बार नाव में कोई व्यक्ति जा रहा हो समुद्र के ऊपर, तो वो नाव पर बैठा व्यक्ति समुद्र के जल को पी नहीं सकता, पर बादल उसी समुद्र के जल को खींच करके जब ऊपर से बरसाते हैं तब वही जल नाव पर बैठे व्यक्ति बड़े प्रेम से पी सकते हैं। यहाँ देखकर यही भावना होती है, पूज्य महाराज जी भागवत के महासमुद्र की तरह सामने बैठे, आप व्यासपीठ पर नाव की तरह बैठे हो, श्रीनाथ जी मेघ की तरह, काले मेघ की तरह रस से भरे बैठे और आपके ऊपर उस दिव्य रस की वर्षा कर रहे हैं, जैसे आप भी कर रहे हो और हम सब लोगों को भी करा रहे हैं। ये सब अनुभूतियाँ मात्र हैं, भागवत जी की कथा और ये सब तो आप सुन रहे हैं, ये सब अनुभूति मात्र हैं। निश्चित रूप से जब पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज मुझे अपना पुत्रवत कहते हैं तो मेरे हृदय की कोई इससे ऊंची आनंद की बात नहीं होती, क्योंकि मैं अपने, ये तो मेरा परिवार है और इस परिवार के दोनों उत्सवों में मैं सम्मिलित रहता हूँ। पूज्य बड़े महाराज जी ठाकुर जी महाराज गुरुदेव का उत्सव करते हैं,
इंद्रेश जी महाराज गोपाल का उत्सव करते। वर्ष में ये दो उत्सव इस घर के हैं और मेरा प्रयास होता है कि मैं दोनों में एक बार प्रणाम कराऊं। आपने पुत्रवत कहकर मेरे हृदय को सदा तरंगित किया है। मेरे पास कुछ बड़ों की ही कमी है, लोगों की कमी नहीं है। आप जैसे जब बड़े घर में आशीर्वाद देते हैं तो घर का संवर्धन होता है, बल मिलता है, बुद्धि मिलती है। इस पूरी कथा का यही आकर्षण है। कथाएं द्वारिका में हर कण कण चलती है, यहाँ का रोम रोम कथा है। यहाँ कथा होती है ये अलग बात है, यहीं की कथा है जो सब ब्रह्मांड में हो रही है, पर आप दोनों का प्रत्यक्ष पूज्य माँ सामने बैठी हैं, ये सौभाग्य तो मुझे मिलता रहता है, पर पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज सामने बैठे हैं, ये हम सब के जीवन का परम सौभाग्य है। आपका ये परम सौभाग्य है। इससे बड़ा और क्या किया जा सकता है। कोई पुत्र किसी बड़े भारी साधन से बहुत बड़ी व्यवस्था लेकर के आवे और उस व्यवस्था से अपने पिता की सेवा करे, यही उसके पुत्र धर्म का पूर्ण निर्वाह है। जिस कथा की प्राप्ति आपको पूज्य ठाकुर जी महाराज से हुई है और आप यहाँ बैठकर उसी कथा से उनके चित्त का अभिसिंचन कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य एक पुत्र के जीवन में दूसरा नहीं हो सकता। ऐसे सौभाग्य के लिए मैं आप दोनों के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करूं। ये द्वारिका अति श्रेष्ठ है। यहाँ प्रवेश मात्र करना, यहाँ प्रवेश करते ही व्यक्ति मुक्त हो जावे। सही बात तो ये है, जहां से द्वार मिल जाए वही द्वारिका है। व्यक्ति कहीं से निकल नहीं सकता जब तक उसे द्वार नहीं मिलता। हमें पता नहीं चला कि हम किस प्रकार इस संसार में प्रवेश कर गए और अनंत काल से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की क्रिया में सतत घूम रहे, क्योंकि बहुत बार ढूंढने के बाद भी दरवाजा नहीं मिल रहा, द्वार नहीं मिल रहा। अगर द्वार मिल गया होता तो बहुत आसानी होती, बहुत आसानी होती। कई बार ऐसे स्थान होते हैं ना, वहां आप चले जाओ और निकासी का दरवाजा नहीं मिले तो बड़ी मुश्किल हो जाती, एग्जिट डोर कौन सा। अभी मैं यहां आ रहा था जब हवाई जहाज से अहमदाबाद उतरा, प्रभु जी ऐसा हवाई जहाजों में कई बार होता है, मैंने ऐसा अनुभव किया। महाराज जी एरोप्लेन में बैठिए तो आगे भी दरवाजा है, पीछे भी दरवाजा है, बीच में भी दरवाजे हैं, दरवाजे तो बहुत सारे हैं। अब सुसरा पता नहीं चलता कि खोलेगा कौन सा। एक जगह मुझे बड़ी जल्दी, तो मैं हवाई जहाज में जाके बैठा और सामान्यतः ऐसा होता है कि सामने वाला दरवाजा खुलता है, तो दो चार लोगों से प्रार्थना करके एक्स्ट्रा सीट का पैसा देके जुगाड़ करके फ्रंट पर बैठा कि दरवाजा खुलते ही निकल जाऊंगा। ससुरा ऐसा भयो कि सामने वाला दरवाजा खुलो ही ना है, उनने कही सब पीछे थे जाएंगे, कोई एरर आ गया। अब बैठे रहो वहां, अब और घंटा लग गया ज्यादा है निकरवी में, और सामान इधर उधर, बड़ो झंझट है क्यों। दूसरी दुविधा हो जाती है कि तुम बैठे आगे हो, सामान पीछे हो, इसलिए दरवाजा कौन सा खुलेगा जब तक ये ना पता चले तब तक व्यक्ति उस यात्रा से निवृत्त नहीं हो सकता। ये संपूर्ण जीवन की यात्रा का प्रवाह चले जा रहा है, अनंत जन्म जन्मांतरों से प्रवाहित हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये द्वारिका श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया संसार को द्वार है, जिस द्वार में प्रवेश करके इस संसार से निवृत्त होकर श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त की जा सकती है। जिस द्वार से या तो आप जाकर के उन तक पहुंच सकते हो या वो प्रवेश करके आप तक पहुंच सकते हैं। ऐसी मंगलमयी द्वारिका नगरी का ये श्रेष्ठतम स्वरूप है और नवदा भक्ति का ये मधुर प्रसंग जो यहाँ आपने भागवत जी का मूल पकड़ लिया। भक्ति ही शक्ति, महाराज जी जानते हैं भागवत जी के विनियोग में ही लिखा है, इस संपूर्ण भागवत की शक्ति ही भक्ति है और वो भक्ति का विशुद्ध स्वरूप नवदा भक्ति के रूप में यहाँ विराजमान है। पर भक्ति के भी दो प्रबंध हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में आचार्य चरण वर्णन करते हैं, एक प्रबंध है वैदी भक्ति और दूसरा प्रबंध पूज्य महाराज जी कल सांध की बेला में शब्द का प्रयोग कर रहे थे और वह है विशुद्ध रागात्मिका रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति श्रवणम कीर्तनम से लेकर के अंत तक पहुंचती है, आत्मनिवेदन तक। पर जो रागानुगा भक्ति है उसका प्रारंभ तो
आत्मनिवेदन से ही प्रारंभ होता है और परम प्रीति तक पहुंच जाता है, परम प्रेम तक पहुंचता है। आदौ श्रद्धा तत साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति, करते करते रुचि आसक्ति और फिर बाद में प्रेमाभ्युदंजती प्रादुर्भावे भवेत क्रम, इस प्रकार प्रेम की प्राप्ति होती है। अभी हम जब दर्शन कर रहे थे, पूज्य सब सेवायत जन मेरे साथ थे, जब तक श्रृंगार हो रहा था तो सामने खड़े होकर द्वारिकाधीश की महिमा गा रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी आप कथा में बोले कि शायद मुझे देखकर द्वारिकाधीश इतने खुश हो गए कि वो खुद उतर के आके कथा सुना रही थे सामने से। उनके भाव जैसे जगन्नाथ को फोन आवे तो लगे जगन्नाथ जी फोन कर रहे हैं, तो ऐसे ही लग रहा था कि सेवायत सामने मुंह को देख के कथा सुना रहे, तू का सुनावे वो लाला मैं सुनाऊ तो। और उसी समय भावना बनी कि यहाँ ठाकुर जी चतुर्भुज हैं, क्योंकि तमद्भुतम बालकम भुजक्षणम अभी आप श्लोक कह रहे थे। तो वहां चर्चा में श्री रूप गोस्वामी पाद का एक भाव प्रकट हुआ, महाराज जी समय तो मैं ज्यादा ले रही हूँ, बस अब एक मिनट में मेरो ही हवाई जहाज निकल जाएगा। तो वहां पर रूप गोस्वामी पाद को भाव आयो कि श्री रूप गोस्वामी पाद जब महाप्रभु जी से मिलने गए उस समय आपको स्वप्न आया है और आपने वहां से लौटकर दो ग्रंथ लिखे, एक ललित माधव और एक विदग्ध माधव। एक ग्रंथ है जिसमें श्री वृंदावन के श्री कृष्ण की रसानुभूति का प्राकट्य है और दूसरी में द्वारिका लीला में कैसे वृंदावन की संपुटियां हैं उसका वर्णन है। वहां संकेत करके आचार्य चरण वर्णन करते हैं कि द्वारिकाधीश चतुर्भुज क्यों है, दो भुज कृष्ण के हैं पर दो भुज श्री राधा रानी के हैं। ये ऊपर वाले जो दो हाथ हैं, क्योंकि प्रिया जी गोपन शीला है, ठाकुर जी ने हृदय में विराजमान कर रखा है, इसलिए जो ऊपर वाले दो हाथ हैं ये साक्षात श्री प्रिया जी के ही हैं। ये चतुर्भुज रूप में श्री राधा श्याम युगल स्वरूप वहीं पर विराजमान है, यही भावना तद्वत प्रतीत होती है, क्योंकि द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण सतत प्रिया जी की स्मृति करते हैं, स्मरण करते हैं। रूप गोस्वामी पाद वहां एक बड़ी सुंदर द्वारिका लीला का वर्णन करते हैं। एक बार नारद जी महाराज पधारे और प्रसंग आया, सत्यभामा जी से बोले, क्योंकि वो सत्यभामा जी का भाव अलग होता है, इतनी सारी पत्नियां हैं, तो नारद जी बोले आप चाहते हो कि श्री कृष्ण सदा आपके ही हो जाएं। बोले ऐसा हो सकता है? बोले हाँ जरूर हो सकता है, सदा आपके ही हो जाएं। तो बोले क्या करो? बोले एक काम करो, उनको आप मुझे दान कर दो। अच्छा ऐसा, ठीक है। सत्यभामा जी ने हाथ में लिया जल, विष्णु 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 कहके, और नारद जी तो निपुण है ही है, महाराज जी पूरा संकल्प करा के हिमाद्री करा दिया और करा के कहा कि मैं श्री कृष्ण को नारद जी आपको प्रदान करती हूँ, छोड़ दिया संकल्प। नारद जी बड़े प्रसन्न, चलो इतने दुनिया में डोरे एक तो चेलो मिलो कम से कम, बढ़िया। ठाकुर जी ठाणे बोले लो ठाकुर पकड़ो मेरी वीणा, संग संग चलो। नारद जी ले जाने लगे श्याम सुंदर को, तो सत्यभामा जी बोली कहाँ ले जा रहे हो प्रभु, रुको रुको। बोले आपने उपाय कहा था कि संकल्प करने के बाद में इनके बराबर की वस्तु मुझे दे देना तो ठाकुर जी को मैं वापस लौटा दूंगा, तो लो तराजू लगाओ, फटाफट तराजू लगाओ, अभी मैं इनके बराबर की वस्तु देती हूँ। ठाकुर जी को तराजू के एक तरफ बिठाया और दूसरी तरफ सत्यभामा जी घर की सभी सामग्री ले आई, सब धर दी, तराजू हिला नहीं। सत्यभामा जी घबराई, थोड़ी देर में आसपास और जो महर्षियां थी उनसे भी कहा, वो भी सब सामान ले आई, सब धर दिया, तो भी तराजू हिला नहीं। अब सत्यभामा जी घबराने लगी। नारद जी बोले मेरा स्वभाव है, मैं तो एक स्थान पर ज्यादा ठहरता नहीं हूं, इसलिए चलो चलो मुझे जाना है सत्यभामा जी, और द्वारिकाधीश आप भी चलो, आपकी पत्नी ने ही दान कर दिया, जब तो क्या बचो, पत्नी का हुए दान कर दी तो कहां डोरे को वो फिर। महाराज ये बात गृहस्थी जाने, महाराज आप क्या को मोड़ो हिलाई रहे। तो अभी वैसे आप तो परे पहुंच गए, इंद्रेश जी को प्रवेश ही ना है भयो, या हमारे अभी आप दोनों यार चीजें कम पक। तो अभी वैसे आप तो परे पहुंच गए, इंद्रेश जी को प्रवेश ही ना है भयो, या हमारे अभी आप दोनों यार चीजें कम पकड़ेंगे, हम बैठे हैं यहाँ बैठे हैं महाराज जी बैठे, ये सब हम लोगों के अनुभव की बातें, अब क्या करें महाराज, हमें आप पे डराए ना रहे हो, चिंता मत करो ऐसा कि डर गई महाराज ऐसा हो जाएगा। हालांकि बहुत सारी दुनिया बाट लगाई बैठी है कि जे तो बैठी है, इनके बगर में कौन बैठवे बारी आ गई,
तो हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करें ये भी जल्दी चतुर्भुज हो में मारा द्वारिकाधीश चतुर्भुज की कथा है गई अब ये भी इसलिए शायद आए हैं यहाँ क्योंकि बिहार को क्षेत्र है तो ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव माना है। ठाकुर जी चतुर्भुज करें मैया कोई ढूंढ के ला बढ़िया सी मारा है बैठी भाई। सो मैं पूरी बात कर दूं वही समय सत्यभामा जी घबराने लगी। रुक्मणी जी सो बोली तू तो कछु लेके आ ये पड़ला भी ना हिलो तू तो कछु ला। सब रुक्मणी जी पधार के बोली ये सब सामान हटाओ तराजू ते सब हटायो और अपने आंगन को तुलसी को दल लेकर के आई। सोने की बढ़िया सुंदर सलाई लीनी और अष्टगंध में डुबो करके वह सलाई से वह तुलसी दल के ऊपर लिखो श्री राधे और लिख के जैसे ही तराजू पर धरो ओ पड़ला गयो नीचे और ठाकुर जी गए ऊपर। ऐसे श्री प्रिया जी के नाम की महिमा द्वारिका की लीला में श्री कृष्ण को सदा तरंगित करती है सदा प्रसन्न करती है। ऐसे जब आप महाराज जी हम सब लोग ब्रजवासी जब आते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जावे कि हमारे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी हमारी जन्मभूमि को कोई आयो है। ठाकुर जी परम प्रसन्न हो में तरंगित हो में चारों स्थान आपने चुने मैं तो कहूँ ठाकुर जी कृपा करें चारों ही स्थानन पर उत्सव होवे चाहे वर्ष बदलतो रहे जो गोवर्धन नाथ जी की कृपा हो। मेरो परम सौभाग्य है कि यहाँ उपस्थित रहकर आपको प्रणाम करने का अवसर बने हुए। आगे सो मेरी प्रार्थना है कि मैं आगे सो जब भी आऊँ कथा ते पहले पहुँच जाऊँ तो आप बोलवे की आज्ञा करियो तो ही मैं आ सकूँ दोबारा या के बाद में जब कभी मैं दोबारा उत्सव में पहुँचूँ तो ऐसो जुलम मोते मत कराइयो महाराज। बीच में बैठो हूँ आपकी अब व्यासपीठ की आज्ञा है तो माननी पड़ेगी या हमारे मैं प्रार्थना करके निवेदन अपनों वाणी विश्राम कर रहे हूँ कि या के अगले बरस अगर मेरो आवो बनेगो गोवर्धन नाथ जी कृपा करेंगे तो वामे अगर मैं कथा ते पूर्व आ जाऊँ तो आप आज्ञा करियो और अगर बात तक बैठो रहूँ तो आज्ञा करियो ये बीच वाला जुलम मोते मत करियो महाराज। नहीं तो ऐसी पीड़ा हुए कि हम खाक कथई चो करते इतने महापुरुष आए आप भी पधारे पर ये एकमात्र बदनामी है व्यासपीठ पर बैठवे की कि हमारे आवे से आपकी धारा में अवरोध भयो ऐसो जुलम कौवे नहीं करना चाहिए कभी। ऐसी भावना सो आपके पावन चरणों में उपस्थित संतवृंदों के चरणों में हमारे वृंदावन की प्रत्यक्ष सचल ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम पूर्वक माँ के चरणों में प्रणाम पूर्वक अपनी वाणी की पुष्पांजलि व्यासपीठ को मैं समर्पित करता हूँ। श्री गिरधर लाल प्रभु की जब एक एक शब्द आता है मुझे उसमें हमारे राधारमण लाल आपको ठाकुर मिलके बैठे व्यासपीठ पर दोनों बैठे एक तरफ गिरधर लाल बैठे एक तरफ राधारमण लाल बैठे तो यह देख के मेरो मन क्या गुनगुना रहा था कि मेरो राधारमण गिरधारी श्याम महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। आप महाराज जी इतना संकोच मत करियो कि बीच में बुलवायो आप ही कह रहे कि
ये प्रवाह बीच में अवरोध हुआ, अवरोध नहीं हुआ महाराज जी, यमुना जी वृंदावन से बहती बही जा रही हैं, लेकिन प्रयाग में जब गंगा से मिल जाएं तो प्रयागराज के स्नान को महत्व बढ़ जाए। तो ये धारा तो बही रही 7 दिन थे गिरधर स्वरूप में, लेकिन आज आपने आकर के या में अपनों प्रवेश करा करके या कुछ संगम बना दियो, अब जब इनने स्नान किया तो संगम के स्नान को फल मिलो है सबन को। तो आप बिल्कुल ऐसा विचार मत करो कि ये अवरोध, आप अगली कथा में बीच में आए तो बीच में ही बुलवाऊंगा मैं ये जुलम तो होगो ही। हम पूज्य गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करें कि उत्सव की बधाई महाराज जी को